सत श्री अकाल, मैं हाँ नेहा शर्मा ते तुसी वेख रहे हो प्रवासी टीवी बुलेटिन की शुरुआत करदे हां अज दीआं मुख खबरां दे नाल। पंजाब विच भ्रिष्टाचार के मामले च आईएएस संजय पोपली गिरफ्तार, मोहाली अदालत ने चार दिन के पुलिस रिमांड ते भेजिया। पंजाब के बर्खास्त सेहत मंत्री विजय सिंगला दीआं वधीआं मुश्किलां, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो भी नहीं मिली जमानत। संगरूर लोक सभा की जिमनी चोण लई चोण प्रचार होया बंद, 23 जून नूं पैणगीआं वोटां अते नतीजे 26 जून नूं। यशवंत सिन्हा बन सकदे हन विरोधी धिर वल्लों राष्ट्रपति अहुदे लई उम्मीदवार, सिन्हा ने टीएमसी छड्डण दा कीता ऐलान। हुण खबरां विस्थार दे नाल। पंजाब च भ्रिष्टाचार के मामले विच 2008 बैच के सीनियर आईएएस अफसर संजय पोपली नूं गिरफ्तार किया गया। पोपली दे नाल सीवरेज बोर्ड के अफसर की भी गिरफ्तारी हुई है। मीडिया च आईआं रिपोर्टां मुताबिक संजय पोपली ने सीवरेज बोर्ड विच रहिंदिआं 7.3 करोड़ रुपए के सीवरेज प्रोजैक्ट विच 1% कमीशन मंगिआ सी अते इसकी पहली किश्त भी दे दी गई सी। हालांकि दूजी किश्त का दबाव पाउण ते रिकॉर्डिंग सरकार तक पहुंच गई, जिस तों बाद सोमवार देर रात पोपली नूं चंडीगढ़ चों गिरफ्तार कर लिया गया। इस तों बाद संजय पोपली अते सीवरेज बोर्ड के अधिकारी संजीव वत्स नूं विजिलेंस वल्लों मोहाली की अदालत विच पेश किया गया। अदालत ने इन्हां दोवां नूं 4 दिन दे पुलिस रिमांड ते भेज दिता है। जिक्रयोग है कि पंजाब च आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने भ्रिष्टाचार खिलाफ शिकंजा कसया होया है। इसे तहत ही भगवंत मान ने अपनी ही सरकार के सेहत मंत्री विजय सिंगला नूं भी भ्रिष्टाचार के मामले विच बर्खास्त कर दिता सी। कांग्रेस पार्टी के साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की भी भ्रिष्टाचार के मामले विच गिरफ्तारी हो चुकी है। पंजाब दे बर्खास्त सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला नूं अज पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तों भी जमानत नहीं मिली। मंगलवार नूं उहनां दी पटीशन उत्ते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच सुनवाई होई, जिस तों बाद कोर्ट ने सुनवाई नूं 4 जुलाई तक टाल दिता। इस दौरान डॉक्टर सिंगला दे वकील ने कहा कि विजय सिंगला कोलों ना तो कोई पैसा रिकवर होया अते ना ही उन्होंने कोई जुर्म कबूलिया, परंतु फिर भी वह पिछले 1 महीने तो ज़्यादा समय तो जेल विच बंद ने। जबकि पंजाब सरकार दे वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट विच स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, जिस उत्ते हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का पक्ष देखने तो बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई नूं होवेगी। ध्यान रहे कि पंजाब दे बर्खास्त सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला नूं सेहत विभाग विच होण वाले कम्मां बदले 1% कमीशन मंगण दे आरोप विच गिरफ्तार किया गया सी, जिस तों बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हां नूं अहुदे तों बर्खास्त कर दिता सी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी टीवी। संगरूर लोक सभा जिमनी चोण तो पहला भारतीय जनता पार्टी ने उस समय वड्डा झटका लग्या जदों भाजपा दे सूबा पद्धरी अते जिला पद्धरी आगू मुख्यमंत्री भगवंत मान दी अगवाई हेठ आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए। मुख्यमंत्री ने भाजपा अते कारोबारी जत्थेबंदियां दे आगूआं नूं आप च शामिल करदिआं कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार अते देश नूं समर्पित लोकां दी पार्टी है। पंजाब अते दिल्ली विचलियां आप सरकारां ने आम लोकां दे धीआं पुत्तरां नूं विधायक, संसद मैंबर अते मुख्यमंत्री बनाया, उत्थे ही आम आदमी पार्टी दे लोकां सहूलतां देण दे नाल समाज नूं भ्रिष्टाचार मुक्त करन दा बीड़ा चुक्किआ है, जिस दे चलदिआं समाज दे हर वर्ग दे लोक आम आदमी पार्टी विच शामिल हो रहे हन। संगरूर लोक सभा सीट ते जिमनी चोण लई 23 जून नूं वोटां पैणीआं हन अते जिस दे नतीजे 26 जून नूं ऐलान कीते जाणगे। इस नूं लै के अज शामी 6 बजे चोण प्रचार दा काम भी समाप्त हो गया अते चोण कमिशन ने संगरूर लोक सभा हल्के विच जिन्ने भी राजनीतिक आगू चोण प्रचार कर रहे सन उन्हां नूं हल्के तो बाहर जाने लई कह दिता गया सी। हुण उम्मीदवार अते उसदे हमायती सिर्फ डोर टू डोर ही चोण प्रचार कर सकणगे। जिक्रयोग है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों संसद मैंबरी तो अस्तीफा दे दिता सी, जिस करके संगरूर लोक सभा सीट लई जिमनी चोण हो रही है। संगरूर लोक सभा सीट लई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर अते भाजपा विचाले बहुकोणा चोण मुकाबला होण जा रहा है। इत्थे ए वी जिक्रयोग है कि पंजाब अते दिल्ली विच राज करन वाली आम आदमी पार्टी कोल सिर्फ 1 संगरूर लोक सभा सीट ही सी। हुण 26 जून नूं
नतीजा आउन तो बाद ही पता लग सकेगा कि इस सीट ते किस पार्टी दा कब्जा हुंदा है। संगरूर लोक सभा जिमनी चोण लई चोण प्रचार दे आखिरी दिन मंगलवार नूं मुख मंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार गुरमेल सिंह कराचो दे हक विच भवानीगढ़ विखे रोड शो कीता। भारी सुरक्षा प्रबंधां दे चलदिआं शहर दी ट्रक यूनियन तों शुरू होया रोड शो ब्लाक दे पिंड काकड़ा सकरौंदी गैलां छन्ना आदि पिंडां तों हुंदा होया मुख्यमंत्री दे हलके धूरी विच दाखल होया। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि साडा उम्मीदवार एक आम घर दा नौजवान है जदों कि बाकी पार्टियां ने तनाडा नूं टिकटां दे के मैदान विच उतारिया है अते ओह नोटां दे सहारे चोण जित्तण दीआं गल्लां करदे ने। इस मौके उन्हां सुखबीर बादल उत्ते तंज कसदिआं कहा कि ओह कदे भी सुखबीर बादल दीआं गल्लां नूं गंभीरता नाल नहीं लैंदे। सुखबीर बादल वल्लों मान तों अस्तीफा मंगे जाण दे जवाब च उन्हां कहा कि इस दा जवाब पंजाब दी जनता ने उन्हां नूं दे दित्ता है। उन्हां अगे कहा कि 25 साल राज करन दीआं गल्लां करन वाला अकाली दल 3 सीटां उत्ते सिमट के रह गया है। हुण सुखबीर बादल केड़े मूँह नाल गल्लां करदा है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवासी टीवी। साबका केंद्रीय मंत्री अते तृणमूल कांग्रेस दे आगू जसवंत सिन्हा ने पार्टी तों अस्तीफा देने की पेशकश कर दिती है। सिन्हा ने इस गल दे संकेत दिते हन कि वह राष्ट्रपति चोण की दौड़ विच शामिल होने लई तैयार ने। सिन्हा दा यह बयान अजिहे समय आया जदों विरोधी दल राष्ट्रपति चोणां लई उम्मीदवार दा नाम तय करन जा रहे ने। अजिहे विच कयास लगाए जा रहे हन कि तृणमूल कांग्रेस की मुखी ममता बनर्जी जुलाई विच होण वाली राष्ट्रपति चोण लई जसवंत सिन्हा दे नाम दा सुझाव दे सकदी है। जसवंत सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने TMC विच उन्हां नूं जो सन्मान दिता है उस लई ओह धन्नवाद करदे हन अते हुण समां आ गया है कि वह एक बड़े उद्देश लई पार्टी तो बख हो जान तां कि विरोधी दल नूं एकजुट करन लई काम कर सकन। जिक्रयोग है कि हुण तक कई बड़े आगू राष्ट्रपति चोण की दौड़ विचों पिछे हट चुके ने। इसे दौरान पछमी बंगाल के साबका गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति चोणां चों अपना नाम वापस लै लिया है। उस तो पहला NCP के मुखी शरद पवार अते जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी विरोधी धिर वलों राष्ट्रपति अहुदे का उम्मीदवार बनने तो इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार उस समय संकट विच घिर गई जदों उन्हां दे एक मंत्री एकनाथ शिंदे ने 29 विधायकां समेत गुजरात विच डेरा ला लिया। सूत्रां तों प्राप्त हुई जानकारी अनुसार एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस अते कांग्रेस पार्टी नालों गठजोड़ तोड़ के भाजपा नाल गठजोड़ करन दी शर्त रखी है। यह भी मन्निया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद मुख मंत्री दी कुर्सी ते बैठना चाहुंदे हन। शिंदे समर्थक 3 विधायकां संजय राठौड़, संजय बांगर अते दादा भूसे ने उद्धव ठाकरे नाल मुलाकात भी की, परंतु इस मुलाकात दौरान की होया यह फिलहाल सामने नहीं। उधर ए भी कयास लगाया जा रहा है कि सूरत च मौजूद इन्हां विधायकां दी भाजपा प्रधान JP नड्डा अते अमित शाह नाल मुलाकात हो सकती है। दूजे पासे शिंदे दे बगावती कदम तो बाद शिवसेना ने शिंदे नूं विधायक दल आगू दे अहुदे तो हटा दिता है। इस तो बाद शिंदे ने ट्वीट करके कहा कि असीं बाला साहिब दे सच्चे शिव सैनिक हां अते बाला साहिब ने सानूं हिंदुत्व सिखाया, असीं सत्ता दे लई कदे वी धोखा नहीं देंगे। भारत सने दुनिया भर में अज मंगलवार को 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग दिवस मनाने पहुंचे। उन्होंने करीब 15,000 व्यक्तियों नाल योग अभ्यास किया। इस मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हुण वे ऑफ लाइफ बन गया है। उन्हें कहा कि योग हर एक व्यक्ति नूं सेहतमंद जीवन का भरोसा दिंदा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह योग नूं दुनिया विच पहुंचाउण लई यूनाइटेड नेशन का भी धन्नवाद करते हैं। इसे दौरान अटारी सरहद उत्ते भी BSF के जवानों ने योग आसन करके दुनिया नूं योग की ताकत दिखाई। जिक्रयोग है कि कोरोना महामारी के चलदियां यह समागम लंघे 2 साल तो जनतक तौर उत्ते नहीं मनाए गए सन, पर इस साल इसनूं अटारी सरहद उत्ते भी वड्डे पद्धर उत्ते मनाया गया, जिस विच BSF के अधिकारियों अते जवानों ने इकट्ठिया योग कीता।
योग दे इस मौके अमरीका दे नियाग्रा फाल्स विखे भी योग संबंधी समागम दा आयोजन होया जिस विच वड्डी गिणती विच भारती अते अमरीकी नागरिकां ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल अज दे बुलेटिन दे विच इन्ना ही। होर खबरां लई वेखदे रहो प्रवासी टीवी। मैं दे इजाजत, धन्नवाद।